हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के मौके पे मैं आपके लिए केसरिया जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। केसरिया जलेबी को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप इसको आसानी से घर पर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। 2 कटोरी चीनी लेंगे, 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से ये घुल जाए, खौलने लगे तब आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी चाशनी बिल्कुल हो गई है, खौल रही है, तो इसको चेक करेंगे। अगर ये थोड़ा सा चिटचिटापन इसमें आता है तो इसको बंद कर देंगे। अब एक बर्तन में 1 कटोरी मैदा लेंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे। दही हम खट्टेपन के लिए डाल रहे हैं, दही खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसको धीरे धीरे हम मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के विस्कर से मिलाएंगे, ये अच्छे से मिल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल बहुत पतला नहीं रहेगा, घोल थोड़ा सा गाढ़ा रहना चाहिए जिससे कि जलेबियाँ बहुत अच्छी बने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। इसमें एक भी लम्स ना रहे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हमारी जलेबियाँ एकदम ऑरेंज बने। घोल पतला लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैदा और डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। अब घोल बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा कलर इसका कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर और डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब देखिए घोल बिल्कुल तैयार है। अब एक पैकेट लेंगे दूध का और इसको हम ग्लास में रख के पैकेट में हम घोल को भर लेंगे, अच्छे से पूरा भर लेंगे इसको। देखिए अब इसको अच्छे से पूरा डाल लेंगे। देखिए आपको इसी तरह डालना है, जब आप जलेबियाँ बनाएंगे तो आप इसी तरह डालेंगे इसको। और फिर इस पैकेट को हम लोग बंद करके किसी रबड़ से बांध देंगे जिससे ये खुले नहीं। और इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे इस जगह से। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, अब जलेबियों को गोल गोल डालेंगे। देखिए ऐसे गोल गोल कढ़ाई में हम लोग डालेंगे घुमा के। आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से आप जलेबियाँ बना लेंगे इस तरीके से। आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। देखिए घोल
इस तरह होना चाहिए। अब जलेबियाँ मेरी तल रही हैं। अब देख रहे हैं जलेबी बिल्कुल तैर के ऊपर आ गई है, फूल गई है। अब इसको हम जब एक तरफ से हो जाए तो इसको हम पलट लेंगे। ये जलेबियाँ बहुत ही क्रंची बनेंगी, आप इसको ट्राई घर में ज़रूर करिएगा और अगर अच्छी बने तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। निकाल लेंगे एक एक करके। अब चाशनी को गरम करेंगे हल्का सा और इसमें जलेबियों को हम लोग डाल लेंगे एक एक करके, अच्छे से डुबो देंगे और आधे एक मिनट इसको रख देंगे, जिससे ये पूरा चाशनी सोख ले अंदर। अब आधे मिनट बाद इसको हम लोग चाशनी से निकालेंगे और सर्व करने की तैयारी करेंगे। तो जलेबियों को हम लोग एक एक करके प्लेट में रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डालेंगे और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।